26 की बात करें, व्हाई द डिटरमिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर हम बात करें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, सच एज किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, तो हम हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, ज्यादा है। और नीचे अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कम। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टर है, कॉमन कैरेक्टर भी क्या है यहाँ पर, कम। कॉमन कैरेक्टर यहाँ पर कम है, नीचे जैसे आते हो हायरकी के अंदर तो यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर क्या है, मोर। कॉमन कैरेक्टर क्या है, मोर। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा हुआ है कि जो रिलेशनशिप डिटरमिनेशन है बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाती है इन हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्यों हो जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है हायर कैटेगरी के अंदर वो क्या है, कम। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज डिक्रीजिंग, इंक्रीज होता है लोअर टेक्सा के अंदर, ये फॉल्स हो गया। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग इन हायर टेक्सा, यस क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है हायर टेक्सा के अंदर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, सेम क्वेश्चन से पहले भी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, बिकॉज क्लासिफिकेशन इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज इन फॉर फॉल्स। तो यहाँ पर मोर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी।